पलकों की छांव में टू नया धारावाहिक सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। मैं हेल्प करूं? अब देखो मैं जला के दिखा दूं। अरे बिग्बी ऐसे नहीं जला रहे। देख मैं जला रहा हूं। अरे तू ठीक है? कुछ नहीं बिग्बी, बस हो गया। आई एम ओके। ये क्या कर रही हो तुम? इसका भी हिसाब चुकाना होगा मेरे बहन की होने वाली ननद जी। हमारा हिसाब ना हमेशा डबल रहता है। ओके मिस्टर नंदन, लेट्स सी। विल सी। लिखिए। अरे ये तो खाली है। अभी तो हम सोच ही रहे थे, आपने हमको डिस्टर्ब कर दिया। लिखिए, 40 तोला सोना, 4 चक्का गाड़ी, कार, कंपनी कौनो भी हो लेकिन गाड़ी बड़ा होना चाहिए, और कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, बड़का टीवी, दो दरवाजा वाला फ्रिज। एक मिनट, ये किस चीज की लिस्ट बन रही है? अरे जिंदगी भर जो तपस्या किए हैं वो फल का लिस्ट। क्या मतलब? अरे आपको ना हर बात ना विस्तार से समझाना पड़ता है। देखिए दूध अनाथ को पाले हैं, वो तपस्या का फल अब जाके मिलने लगा है, उसी का तो लिस्ट बना रहे। चलिए लिखिए। देखिए कुछ छूटना नहीं चाहिए, मसाला पीसने वाला मिक्सी। और तुम्हारा मतलब है तुम उनसे दहेज मांगोगी? अरे आप ना ऐसे बौखला रहे हैं जैसे हम कोई अनर्थ करने जा रहे हैं। अरे बेटा जैसा भगीना का ब्याह है तो दहेज भी ना मांगे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे होते तुम ये कुछ नहीं कर सकती, दहेज मांगेगी। जाइए जी, हम कौन सा आपसे राय लेने जा रहे हैं, हम तो सीधा सुरभि जी से बात करें। सुरभि समधन जी से बात करेंगे, वो एक औरत है और दूध बेटा का माँ है, वो तो एक औरत का बात समझेंगी ही ना। अब दहेज के बिना दिल मिलता है का? नहीं ना। बेटा ये पूजा के फूल हैं, अपने साथ रखना, महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुमन तुमने हमारे साथ इतना कम समय बिताया लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारा अपना जा रहा हो। सर भी ना हम आपके अपने ही तो हैं, और फिर आपको दोस्ती और दोस्ती का वादा याद तो है ना, और हम आपको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आएंगे ना बारात लेकर। हाँ हाँ बेटा जरूर आना, हम आपका स्वागत भी करेंगे। और हाँ बेटा अपने मामा जी से कहना हम कल आ रहे हैं शगुन लेकर। जी बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे आप लोग का। आरती दीदी अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। सुरभि माँ हम नंदिनी को बाय बोलकर आते हैं। ठीक है। दोस्त दोस्त ना रहा। ये क्या बोल रही है? और नहीं तो क्या, दोस्त दोस्त का रहा क्योंकि अब तो तुम हमारी भाभी बनने वाली हो। वैसे
भाई के लिए कोई स्पेशल मैसेज? हम देख सकते हैं? नहीं। अच्छा, तो देखते देखते बात इतनी आगे बढ़ गई। सच में हमारी दोस्त तो बदल गई। नंदिनी, हम बहुत खुश हैं। अब हम चलते हैं। भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय। क्या है ये? क्या है? रोज। हम अंधे नहीं हैं, वो हमें भी दिख रहा है, लेकिन किस लिए? वो क्या है ना, कब से मैं ये चाहता था कि तुम मुझे थैंक यू कहो, बट एक्चुअली मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। तो ये इस रोज को एक्सेप्ट करो और मेरे सॉरी को भी प्लीज। वाओ, व्हाट अ मैजिकल चेंज। हम तो ये सुनकर धन्य ही हो गए, लेकिन ये सब किस लिए? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा ये सब मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ या प्रैंक, बट सच में आज जब तुम जा रही हो तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद इस घर में कितना खालीपन रहेगा, जो स्पेशली मुझे फील होगा, यू नो। देखो ना, इतना सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ हमने टेंशन में ही निकाल दिया, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम तुम जब भी आओगी ना, हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ दोस्ती होगी, सिर्फ दोस्ती। तो ये सिर्फ उसी दोस्ती के नाम पे। चलो, हमने तुम्हें माफ किया। एक मिनट, पहले ये रोज तो एक्सेप्ट कर लो प्लीज। रिश्तेदारी मुबारक हो मेरे बहन की होने वाली ननद जी। बच्चू, अब तो तुम्हें सीधा कर ही मानेंगे हम। भाई, अब आप तो हम पे मत हंसो ना। हम तो उसे इतना चिढ़ गए, इतना गुस्सा आ रहा है हमें उस पे। क्या करें हम? अरे, आप अभी भी हंसे ही जा रहे हो। नहीं 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 भाई, भाई जो नहीं रहा, होने वाला साला है ना आपका, इसलिए उसके लिए हंस रहे हो, उसकी साइड ले रहे हो। आपकी बहन का मजाक बनाया उसने। शांत हो जाओ, चुप करो। अब तो हम उससे मजा चखा कर ही रहेंगे। सौरभ जी जो है, पर ये यहाँ ऐसे? अगर भाई ने ऐसे किसी दूसरी लड़की के साथ सौरभ जी जो को देख लिया तो कहीं बात ना बिगड़ जाए। क्या करे भोलेनाथ जी? चलते ना यहाँ से, हमें नहीं उतरना यहाँ। लेकिन हुआ क्या? अच्छा ढाबा है। नहीं भैया, हमें ढाबे वाबे पे नहीं उतरना, घर भी तो जल्दी पहुंचना है ना। आखिर आपका रिश्ता तय हुआ है, कितनी खुशी की बात है। और फिर घर पर हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे, और आपको नाना जी का आशीर्वाद भी तो लेना है, देर हो जाएगी ना। चलिए चलते हैं घर। हमें पहले आरती दीदी से बात करनी होगी। उनके शरीर पर लगे चोट के निशान कहीं सौरभ जी चुके इस अफेयर के कारण तो नहीं? चलना नहीं है क्या? चलते हैं ना। चलिए।